जो ये गाय है इनको स्लॉटर हाउस में काटने के लिए लेकर जाया जा रहा था, इसी वजह से जो ये गाय हैं ये यहाँ पर लाई गई हैं। अगर आपको किस लिए ले सर ये काटने के लिए लेके जा रहा था मध्य प्रदेश? हाँ जी। इनको उतारने के लिए तमाम जो गौ भक्त हैं वो यहाँ पर प्रबंध कर रहे हैं और पानी का जो इंतजाम है वो गायों के लिए किया गया। पीछे तो अच्छे दूध वाली गाय बंद है, आगे आपके सामने देखो किस तरह गाय निकल रही है, इस बात की आवाज उठाना सभी की सभी गाय। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर, जहां पर सेक्टर 4 चौकी में एक ट्रक को लेकर आया गया है जो गाय अंदर तड़प रही हैं। आप देख सकते हैं कि इनको पंजाब से मध्य प्रदेश लेकर जाया जा रहा था और ये वो गाय हैं जो देखिए किस तरह से प्यास से भूख से तड़पती हुई नजर आ रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कुछ गौ भक्त इन गायों को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि मामले का खुलासा हो सके कि आखिर किस वजह से जो 12 गायें हैं इनको लेकर जाया गया, आखिर क्यों यहाँ पर ये गायें आई हैं। हालांकि जो तमाम आप देख सकते हैं कि गौ भक्त मौके पर मौजूद हैं और ये तमाम गौ भक्त इनका आरोप है कि जो ये गायें हैं इनको स्लॉटर हाउस में काटने के लिए लेकर जाया जा रहा था, इसी वजह से जो ये गायें हैं ये यहाँ पर लाई गई हैं। एक ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है, जो चौकी इंचार्ज है वो बता रहे हैं। हालांकि मामले की जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से ये गाय लेकर आई गई थी। आप देख सकते हैं कि जो गाय हैं इनको उतारने के लिए तमाम जो गौ भक्त हैं वो यहाँ पर प्रबंध कर रहे हैं और पानी का जो इंतजाम है वो गायों के लिए किया गया ताकि ये लोग यानी कि जो गाय हैं जो बेजुबान हैं ये कम से कम पानी पी सकें, जो कि भूख और प्यास से काफी ज्यादा तड़प रही थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने यहाँ पर बताया कि पहले इन जो गायें हैं इनको यहाँ से उतरवाया जाएगा, उसके बाद जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से जो ये गायें हैं ये लेकर आई गई थी। ये देखिए एक एक कर जो गायें हैं इनको अब उतारा जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। चौकी इंचार्ज ने ये बताया कि जो गायें हैं दुधारू पशु हैं, लेकिन जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से इनको उतारा गया और क्यों इनको पंजाब से मध्य प्रदेश लेकर जाया जा रहा था, पंजाब से मध्य प्रदेश आखिर क्यों लेकर जाया जा रहा था। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय आप आईबीएन 24 पर देख रहे हैं जहां पर तमाम जो गौ भक्त हैं वो किस तरह से गायों को ये देखिए उतारते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ये देखिए गायों को उतारा जा सके। और एक एक कर अब जो ये गायें हैं इन गायों को उतारने के लिए तमाम जो गौ भक्त हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। पहले भी इस तरह की बहुत सारी जो गायें हैं बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो इस तरह से पकड़ी गई हैं और बाद में पता लगता है कि इनको स्लॉटर हाउस लेकर जाया जा रहा है जहाँ पर जो गायें हैं उनको काटा जाता है, बेचा जाता है, गायों का जो मांस है वो बेचा जाता है और जिससे बचाने के लिए लगातार जो गौ भक्त हैं वो इस तरह की गाड़ियों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द करते रहते हैं। पहले भी इस तरह के मामले रात में दिन में सामने आते रहते हैं और इनका आरोप है कि इसके ऊपर फट्टे भी लगाए गए थे। हालांकि जो चौकी इंचार्ज है उनका कहना है कि ये दुधारू पशु भी हो सकते हैं, इसकी जाँच ये देखिए की जा रही है और लगातार ये देखिए लगातार जो गाय हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है और एक एक कर जो गाय हैं उनको अब यहाँ से उतारा जा रहा है ताकि इन गायों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, जो पानी है वो दिया जा सके, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दिया जा सके, क्योंकि जाहिर तौर पर सुबह से निकली हुई हैं और तड़प रही हैं ताकि और मध्य प्रदेश बहुत दूर है, जाने में काफी समय लगता है और उसके बाद किस तरह से एक एक कर अब जो गाय है इनको निकाला जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक एक कर जो गाय है अब इनको उतारने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि सभी जो गायें हैं इनको उतार कर कम से कम पानी पिलाया जा सके, कुछ खिलाया जा सके, क्योंकि जाहिर तौर पर भूख से ये सभी जो गायें हैं ये तड़प रही हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक एक कर जो गायें हैं जाहिर तौर पर आप देखिए कि सब लोग चाहते हैं कि वो आजाद हो, आजादी से रहे और इसी वजह से ये देखिए एक एक गाय किस तरह से जल्दी जल्दी उतरती जा रही है क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि हम अब कहीं ना कहीं आजाद हो गई हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय आप आईबीएन 24 पर देख रहे हैं जहां पर 12 गायों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया और ये ट्रक अब पुलिस के सुपुर्द है। पुलिस जांच करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और उसके बाद ही जो आगामी कार्रवाई है वो की जाएगी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल के सेक्टर 4 चौकी से देख रहे हैं जहां पर लगातार एक एक कर 12 गायों को उतारा जा रहा है और ये 12 की 12 गायें किस वजह से
ये यानी कि लेकर आई गई थी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जो गौ भक्त है उनका कहना है कि इनको काटने के लिए मध्य प्रदेश लेकर जाया जा रहा था, पंजाब से मध्य प्रदेश जा रही थी। रास्ते में उन्हें सूचना मिलती है कि जो ये ट्रक है जिसकी किस्तें भी टूटी हुई हैं, इस ट्रक को रोकना है। और जब इस ट्रक को रोका जाता है उसके बाद पता लगता है कि अंदर इसके गायें भरी हुई हैं, और उसके बाद सेक्टर 4 चौकी को सूचना दी जाती है। और उसके बाद ये देखिए मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें सभी आप आईबीएन 24 पर देख रहे हैं, जहां पर लगातार 12 जो गायें हैं वो अब नीचे उतारी जा रही हैं। जो 12 गायें हैं इनको नीचे उतारा जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। ये सीधी तस्वीरें समय आप आईबीएन 24 पर देख रहे हैं, जहां पर 12 गायों से भरा हुआ जो ट्रक है वो पकड़ा गया। हरियाणा नंबर ये ट्रक है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो ये ट्रक है ये दुधारू लग रही है जी? नहीं है, दुधारू नहीं है सर। दुधारू होती बच्चे होते, दुधारू होती बच्चे होते, बच्चे नहीं है। क्या लग रहा है आपको, किस लिए? सर ये काटने के लिए लेके जा रहा था मध्य प्रदेश। हाँ जी, इन लोगों का क्या एजेंडा होता है? पीछे तो अच्छी दूध वाली गाय बंद है, आगे आपके सामने देखो किस तरह गाय निकल रही है। इस बात की आवाज उठाओ, सभी की सभी गाय कमजोर भी दूध देने वाली गाय आगे है। सुनो हमारी, आप इस बात को डॉक्टर बुला लो जो इसको कोई ओके कर दे। क्या नाम है आपका, पहले भी पकड़ते रहते इस तरह? भाई मेरा नाम संदीप राणा है, मैं गोरख क्षेत्र बजरंगदल का जिला अध्यक्ष। पहले भी पकड़ते रहते? 18 वर्ष हो गए। हाँ जी, ज्यादातर जो गायें, कभी ऐसा भी हुआ है कि जो गाड़ियां आपने पकड़ी हैं बाद में पता लगे दुधारू ही हैं, या अक्सर यही निकलती है मारकाट करने के? मेरा तो, मैंने तो जब तक आज तक पकड़ी, जो मैंने आज तक पकड़ी है, जो दूध वाली होती है हम इधर से देख के उधर तक देखते चले जाते हैं, पता लगे छोड़ देते हैं। अब ये गाड़ी जो कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है ना, जो कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है, ये गलत नहीं पकड़ी। ये इधर वाली जो पहली गाय थी, दूसरी जो गाय दूध देने वाली जाके, तो सारी सारी कटने वाली गाय है, आप चेक करवा लियो। सर एक बात का, कोई ऑफर देता है क्या? किस बात पे ऑफर देता है? उन्हें लाख रुपए की ऑफर दी, यानी कोई बात होती है तो हमेशा गलत आदमी ऊपर दे हुआ करा। लाख रुपए की बताया जा रहा है कि जो ऑफर है, यानी कि सीधे तौर पर जो रिश्वत है वो देने की कोशिश की जा रही थी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और आप देखिए एक एक कर जो गाय है इनको अब उतारा जा रहा है। इनका कहना है कि आगे दुधारू गाय बांधी गई थी और पीछे वो गाय थी जिनको काटने के लिए लेकर जाया जा रहा था। गौ रक्षा दल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब मौके पर पहुंच गए हैं, और उनका कहना है कि ये जो गाय है इनको सीधे तौर पर काटने की नीयत से ही लेकर जाया जा रहा था। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर समय आप करनाल के सेक्टर 4 से देख रहे हैं, जहाँ पर सेक्टर 4 चौकी में गाड़ी एक पकड़ी जाती है, और हरियाणा नंबर ये गाड़ी है। आप देख सकते हैं HR 63D 4866, इसकी किस्तें भी टूटी हुई थी। किस्तें टूटने के बाद इस ट्रक को जो रिकवरी एजेंट है उन्होंने रोका, ताकि इस गाड़ी को पकड़ा जा सके, रोका जा सके। लेकिन बाद में पता लगता है कि इस गाड़ी के अंदर जो गायें हैं वो भरी गई हैं, और इनको मध्य प्रदेश लेकर जाया जा रहा है ताकि इनको काटा जा सके, वहां पर जाकर बेचा जा सके, इनका जो मांस है वो बेचा जा सके। गाय को हम माँ के तौर पर पूजते हैं, और उसी गाय को काट कर यानी कि किस तरह से लोगों को परोसा जाता है ये भी आपके सामने, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे जो मामले हैं वो आपने देखे होंगे, और एक एक कर जो गाड़ियां हैं इस तरह से पकड़ी जाती है, और उसमें से इस तरह जो वाहन है वो वाहन में से जो गायें हैं वो उतारी जाती है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये गायें हैं इनको उतार कर कहीं ना कहीं बेचने के लिए लेकर जाया जा रहा था, ये आरोप गौ रक्षा दल के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर समय आप आईबीएन 24 पर देख रहे हैं, जहां पर गौ रक्षा दल के जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने इन तमाम गायों को यहाँ पर अब देखिए उतरवा कर इन्हें यहाँ पर बांध दिया गया है, ताकि इनको कम से कम पानी पिलाया जा सके, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो खल है, जो चारा ये खाती है वो दी जा सके। ये जो तैयारी है फिलहाल अब यहाँ पर की जा रही है। ये खाली जगह, इसी जगह पर जो इन गायें हैं इनको एक एक कर बांधा जा रहा है और यहाँ पर रखा जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।